गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टो ब्लॉग्स के चैनल पे। तो आज है 2 तारीख, कल था 1 अप्रैल, लेकिन मैंने कल किसी को अप्रैल फुल नहीं बनाया, आज भी नहीं बना सकते हैं। तो आज का दिन क्या है, बाथरूम में यार आज का दिन क्या है ना, थोड़ा घूमने का दिन है। मैंने बोला कि यार आप आजकल डेली ऑफिस जाते हो और घर पे रहते रहते थोड़ा से बोर हो जाती हूँ, तो मम्मी जाने वाली है, तो मम्मी को मैंने बोला कि कहीं घर उधर किसी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था कि आई हमारे घर। कौन गया इसमें, कौन गया? खाली हो गया बाथरूम वाला। तो हम आज उन्हीं के घर जाएंगे और ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ब्लॉग को खूब प्यार दीजिएगा। और आज मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, अच्छा लग रहा है, कमेंट करके। तो चलिए हम फटाक से पहले रेडी हो जाते हैं, चाय वगैरह सब लोग पी लिए हैं, हम नहीं पिए थे तो हमारा चाय इसमें रस्क गिर गया है, पी करके। बाबू सो रहा है तो बाबू जब थोड़ा जब तैयार हो जाएंगे, सो के उठेगा तो उसको भी तैयार करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे घूमने। आज घूमने का ट्रिप है, संडे का दिन घूमने का होता है। ठीक है गाइस, ब्लॉग में बने रहिए। मम्मी किट्टो उसी को तैयार कर रहे हैं, आई शेडो लगा रही, देख सकते हैं आप सब, पर्पल और गोल्डन यहाँ पे देख सकते हैं यार लिए मम्मी। और ये किट्टो वैसे की साड़ी है, देख सकते हैं पर्पल और गोल्डन में है, इधर डार्क पर्पल इधर लाइट है, पहन रहे हैं। हाँ तो जुड़ रही है। फाइनली गाइस, मैंने आज ये वाली साड़ी वियर की है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ ये देखो आप लोग, पता नहीं कैसी लग रही हूँ, चुड़ैल लग रहा था। कोई बात नहीं, चुड़ैल से। और यहाँ पे सब लोग रेडी हैं। नहीं गाइस, कपड़े कौन डाला इसमें, क्या करके मिक्स करके रखा, क्या रखा है? कपड़ा बबुआ का, इसका कवर नहीं है, इसका धुलो नहीं बा, धुला है कवर इसका। तो गाइज यहाँ पे मैं मम्मी के साथ रील्स बना रही थी और बाबू के साथ, मैंने वंदा दी को बोला आप भी आ जाओ, बोले नहीं नहीं मैं शूट कर दे रही हूँ, तुम सब वीडियो बना लो। तो मैंने यहाँ पे स्लो मोशन करके मैंने बनाया है इंस्टाग्राम पे वीडियो, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो गाइज वंदना दीदी को जलन हो रहा है कि हम आगे बैठे, जलन हो रहा है। अरे हम लोग उस दिन यहाँ रुके थे, फिर यहाँ रुके जिस दिन बारिश हो रहा था, बहुत खतरनाक बारिश हो रहा था। और इसमें बहुत कुछ वंदना दी का हाथ है, जैसे इन्होंने हाइलाइटर लगाया, मुझे आईलाइनर लगाया, और इसके बाद आई शैडो भी लगाया, और क्या लगाया वंदना दी, साड़ी पहनाई। तो वंदना दी का बहुत हाथ है, सब चले जाएंगे तब अकेले कैसे करोगी? नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है, इतना वीडियो वहाँ करती थी जब से तुम यहाँ घर, तुम्हारे साथ कोई ना कोई है। हाँ ये तो चीज है, रहती थोड़ा बहुत हेल्प तो मिल जाता था। अरे थोड़ा क्या, बहुत सारा हेल्प मिल जाता था, कहीं सोनाक्षी आके पिन लगा देती थी, ऋषभ आकर के मेरा, अरे जो सामान इधर बिखरा रहता था डब्बे में डाल देता था, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता था। की अब सोचना पड़ेगा की क्या कैसे होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे छुट्टी बहुत, लेकिन ये इतना चिल्लाती है ना, इसको तो रखने के लिए क्या करते, तो लेकिन 2 दिन रहती फिर कहती है हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और ये सब है बोलता है तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आओगे? अरे पहले नहीं बोलता था, अरे बाबू उठो मीना पर चढ़ना। तो गाइस मैंने ये थोड़ी सी मैचिंग कर रही थी, गाड़ी के अंदर मैचिंग कर रहा था, तो मैंने ये पहन लिया। और साड़ी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, और मैंने और वंदना दीदी मिलकर मैंने अपना मेकअप किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि पतिदेव ने इस कार के अंदर क्या क्या किया था, और मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इतना सारा काम करवाया। तो मुझे इनके ऊपर कल जानते कितने बजे आए थे, 10 बजे रात को आए थे। पहले इन्होंने बोला कि मैं 7 बजे आ जाऊंगा, 7 बजे तक नहीं आए, फिर 8, फिर फोन कर रहे कि मुझे 9:30 बज जाएगा आते आते। मैं बोली चलो अच्छा ठीक है, 8:30 तक वेट कर लिए, नहीं आए। फिर ये मेरे को फोन किया, मैंने बोला कि आप फोन क्यों कर रहे हो, मेरे को क्यों कर रहे हो बताओ। टाइम से जब कोई घर पर नहीं आता है तो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं बैक कमरा करके दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या करवाया है। और ये हमारे भोलेनाथ जिसको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, यही तो हम हमारी रक्षा करते हैं। हाँ ये हमारी चुनरी, हनुमान जी भी बहुत ज्यादा कभी चलावे ना तो लगाए दे, पर उनका प्रवचन लगा के देखे श्री महापुराण लगाए चलावे, सही बात है। और इन्होंने ये स्टैंड लगवा दिया कैमरा शूट करने के लिए, किसी को इनको नीड ना हो, मतलब क्या कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी को बात अकेले ऑफिस जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। दिखाएगा
अच्छा मुझे समझ नहीं आता, जैसे लोग कार चलाते हैं तो पीछे कैसे ध्यान देते हैं? पीछे ध्यान नहीं देना, हम आगे ध्यान दो, पीछे की टायर है ना शीशे दो लगे हुए हैं। अच्छा देखना रहता है, बाकी पीछे वाले आगे देखे कि कैसे चलना है ना, यही चीज मैं समझ नहीं पाती हूँ। हमें पीछे नहीं देखना भैया, पीछे देखते बस बस साइड में देख लो कोई गाड़ी, बगल में देखना है, बगल में शीशा पीछे दिख जाता है। चलो वंदना दी ऐसे चैलेंज, अरे अरे तो भी कब होना चाहिए मेहनत तो नहीं करेंगे कार चलाएंगे ना? हाँ तो वही तो हम बोल रहे थे कि वो ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर आ जाएगा कार चलाने। लोगों को क्या क्या चलाने जाते, छोटे छोटे बच्चे चला देते हैं, ये तो थोड़ा सा बड़े। यार ये जो है ना अनुभव से चलती है गाड़ी, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। अब धीरे धीरे मेरा हाथ बैठ रहा है, अगर मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ फिर धीरे धीरे और एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तभी कहीं आने जाने में बिल्कुल हिचक नहीं लगेगी। कहाँ चलना चलो, ये चीज है। जैसे देखो फैमिली को लेकर कभी नहीं गए होंगे तो एक बार सोचेंगे यार, इसे छोटे टूर पे जा रहे हैं ना, सौरभ के घर जा रहे हैं, नियर बाई जा रहे हैं एकदम। अच्छा ये सौरभ भाई घर, सौरभ भाई जानते हो जैसे क्या होता है ना, बाइक गाड़ी चलाते हैं नहीं, लोग बोलते ना जिसको बाइक चलाने आ गया तो उसको कार भी चलाने आ गया। नहीं जैसे बाई चांस हो तभी अचानक से कोई सामने ब्रेकर वगैरह तुरंत मारना चाहिए। हाँ ये चीज यही डर रहता है, तेज चलाते हो तब दिक्कत होती है, तेज नहीं चलाओगे तो ब्रेकर तो तुम्हें दिख ही रहा है, कोई आ गया तो भी तुम्हें दिख, इसलिए मैं अपने कंट्रोल में चला रहा हूँ गाड़ी। अच्छा। मुझे तेज लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने हिसाब चलाऊंगा, जिसको तेज जाना जाए। हाँ सही बात, हमें क्या दिक्कत है, आराम से चलो। पीछे देखो एल लिख दिया, एक घंटा मैं पीछे एल लिख दिया हूँ ताकि सबको पता रहे अभी मैं लर्नर हूँ, अभी मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। अच्छा ऐसे होता है, एल लिख दिया हूँ ना, इसको आज ही लिख दिया हूँ। अच्छा अभी मतलब कि लर्न एल लिखने से ये होगा कि आदमी पता रहे गाड़ी भी सीख रहा है तो आराम से जाएगा, आएगा ज्यादा हमको परेशान नहीं करेगा हॉर्न मार करके कि तेज चाल गाड़ी चलाओ, ये सभी सिस्टम है। हाँ तो एल सिग्नल होता है ना भैया, बंदा सीख रहा है, चलो मैं अपना मैं निकल जाता हूँ आगे, सही बात है। ये लगता है ये बोले तुमको भी सिखा देंगे, मैं बोली मैं तो कभी, हमको नहीं लगता कि हम सीख लेंगे, सब सीख गया। नहीं पार्किंग सीखो, स्कूटी पहले सीखो। नहीं हमको हमको मुझे बैठने में अच्छा लगता है, चलाने में नहीं। नहीं सीखना बहुत जरूरी है, अब हमको एहसास हो रहा है ना गाड़ी सीखने में कि दोनों साथ में कभी कुछ दिक्कत हो गया तुम साथ में आधा कर दो, ये चीज होती है। सीख जाओगी अब, हम अपने रिसर्च वाले आ गई हो, चार चीजें होगी, आना जाना होगा, रिसर्च नहीं सीखोगे, सीख लेना बेटा। फाइनली गाइज हमने सब लोगों ने तैयार हो गए, हमने और सब लोगों ने तैयार हो गए, और कुछ चीजें हैं जो हमने चॉकलेट वगैरह फ्रूट्स ले लिया है बस। यहाँ मतलब कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज्यादा स्वीट की दुकान नहीं है। अच्छा नहीं तो सौरभ के नियर बाई है तो वहाँ से ले लिया। हाँ तो उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा, और जब भी आती थी कॉल भी करती थी बोलती थी कि आप लोग आइए, आप लोग आइए। हाँ क्योंकि आप मुझे रेडी किए हो ना, इसकी वजह से। नहीं किट्टो सोचिए थे अपना गाड़ी ले लेंगे तब आएंगे जाएंगे। हाँ मैं देखो अब मेरे पास तो स्कूटी थी, वो इतना बोलती थी कि आओ कभी आओ कभी आओ कभी, तो फिर मम्मी भी चली जाएंगी, और वंदना दी को भी बहुत बार उन्होंने बुलाया तो बोले कि चलो आज संडे भी है, और वो संडे को ही उनका छुट्टी रहता है। हम लोग पहुँचना नहीं है जी, अभी पहुँच जाएंगे, 15-20 मिनट लगेगा। भेज दो ना लोकेशन। हाँ? भेजना पड़ेगा ना, लोकेशन पहुंच के भेजेंगे। कहाँ पे हैं वो, कहाँ पर हो, कहाँ बाबू चलते? वैशाली मेट्रो से वो है, वैशाली मेट्रो से जाओगे ना तो वो है, क्या बोलते हैं वो, क्या नाम उसका, जिया जी को, क्योंकि आज वंदना दी दर्शन चली जाएंगी, हो सके तो वैशाली मेट्रो से बुद्ध चौक आ जाइए। सारी फैमिली उनकी तरह मतलब इनवाइट किया गया था, बहुत बार प्रेशर किया तो हम लोग बोले चलो यार चलते हैं, चलो एक बार घूम लेते हैं, अगर कोई कहता ना तो हमें इतनी बार आप लोग बुलाए हम चले आते हैं, आप लोग को बुलाते आप लोग नहीं आते हो। तो चलिए गाइज, और आप लोग देखिएगा क्या देखेंगे, ऋषभ निकल गए रास्ते में, ऋषभ और हमारी सारी फैमिली कैसी लग रही है, और आप लोग जो हमारे हमसे बड़े हैं तुम्हारे पति देव को आशीर्वाद दीजिए और अच्छे से आपको कार और बढ़िया चलाने आ जाए, ठीक है? शिवाजी बोलो कुछ, क्या क्या बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, भगवान का भी नाम लेते हैं ना, उसको भी जाने दो, कोई बात नहीं, भगवान तो हर लोगों के इंसान में, चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे वो बुरा इंसान हो, वो हर लोगों के दिल में भगवान बसे हुए हैं, तो इसके लिए कोई कुछ भी कहे तो माइंड नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है गाइस,
और ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं, चलते हैं वहाँ, फिर आप लोगों को ब्लॉग दिखाएंगे। वीडियो हमारी यहीं तक है, वीडियो हमारी पसंद आएगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और रंगा दी ने हमको तैयार किया, कैसे लग रही हूँ कमेंट करके थोड़े से। मेरे हेयर ना, मैंने क्या कराया था, हेयर के लिए बहुत सारे लोग कमेंट हमको इंस्टाग्राम पे करते हैं कि आप हमेशा एक ही टाइप की हेयर बनाते हो, क्योंकि देखो मुझे ना ज्यादा आता नहीं है स्टाइल वगैरह झाड़ने के लिए। तो चाहे ओपन करके रखो, चाहे आप एक मतलब बैंड लगा लो, या तो फिर कुछ कर्ल कर लो, यही हो सकते हैं। बाकी तो हेयर स्टाइल मुझे आते नहीं, इसलिए मैं नहीं बनाती। जो चीज नहीं आता वो चीज मैं कैसे कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग भैया कार वगैरह चला रहे हैं तो यही सब देखना ही चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मैंने अपने बालों को ना कितनी बार स्ट्रेट करा रखा, तकरा है ना जी आपने कल बालों के लिए तो हम भी बनाए थे नहीं तो लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि मेरे घर शादी पड़ी है तो मैं वहां पे जाऊंगी, तो उसके लिए मैं अपना बाल थोड़ा सा अच्छे से कराऊंगी, और उसकी भी तैयारी मुझे जोरों शोर से करनी पड़ेगी सारी फैमिली को, है ना वंदना दी। बहुत टाइम है अरे कुछ नहीं है, जैसे मेरा 9 महीना बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, वैसे वो 4 महीना बीतने में कोई टाइम नहीं लगेगा, 4-5 महीना। ठीक है गाइस, खूब प्यार दीजिएगा, शादी मायके में पड़ चुकी है। बाय बाय।